कि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर है, इसलिए धर्म भी कमजोर है। और जिन देशों का धर्म कमजोर होता है वहीं के नेता धर्मनिरपेक्षता की बात करने लगते हैं। हमारे जितने नेता धर्मनिरपेक्षता का उच्चारण करते हैं ना सवेरे से शाम तक, दुनिया में कोई देश में नहीं होता ये उच्चारण। सऊदी अरब बहुत छोटा सा देश है, संयुक्त अरब अमीरात बहुत छोटा सा देश है, बहरीन, कुवैत, ओमान बिल्कुल शहर के बराबर के देश है, फिर भी डंके की चोट पर कहते हैं इस्लाम हम धर्म मानते हैं और इस्लामिक राज्य हमारा है। और आप संयुक्त अरब अमीरात या जैसे किसी भी देश में चले जाइए, मस्जिद में अजान जब होगी तो सारी दुकानें बंद करनी ही पड़ती हैं, भले आप हिंदू हो या ईसाई हो। दुबई चले जाइए आप, अबू धाबी चले जाइए, दोपहर की नमाज जब पढ़ी जाती है तो सारे कारखाने, सारी फैक्ट्रियां, सारे कॉलेजेस, हॉस्पिटल सब बंद कर दिए जाते हैं जितनी देर अजान चलती है, और लाउड स्पीकर इतना तेज तेज बोलते हैं कि आपका कान फट जाए। आप हिंदू हैं, 37 लाख हिंदू रहते हैं वहां, उन सबको काम छोड़ के बैठ जाना पड़ता है जितनी देर अजान चलती है। यूरोप में चले जाइए, कहीं भी आप देख सकते हैं इस बात को कि ईसाइयत का कोई पर्व आ गया बड़े से बड़ा, तो सरकार क्या, सरकार के ऊपर की सरकारें सब बंद करके उस पर्व में लग जाती है। ईस्टर आता है ना, ईस्टर, तो ईस्टर के समय अगर आप यूरोप में रहते हैं, भले हिंदू हैं, लेकिन जबरदस्ती आपको जाना ही पड़ेगा उस छुट्टी के साथ जो ईसा मसीह के लिए तय की गई है। वो कभी नहीं कहते कि हम धर्म निरपेक्ष हैं, ये धर्म निरपेक्ष तो कमजोर लोगों का शब्द है।